यूक्रेन से है, जहां पर यूक्रेन जंग में बुरी तरह से फंस चुका है। अमेरिका और नेटो से नए घातक हथियार अभी तक यूक्रेन को नहीं मिल पाए, लेकिन इधर पुतिन का रूस यूक्रेन की जमीन को रौंदते हुए कब्जा करता जा रहा है। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि जेलेंस्की ने यूक्रेन की तरफ से आखिरी दाव खेल दिया है। दावा किया जा रहा है कि 10,000 किलोमीटर इलाके में यूक्रेनी सेना रूसी सेना को रोकने की कोशिश कर रही है। कुछ लोग जेलेंस्की के इस कदम को सुसाइड मिशन कहने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। हुर्रा! दस हजार किलोमीटर में रूस की कब्र। 800 से ज्यादा दिनों की जंग के बाद भी यूक्रेन रूस को हरा नहीं पाया है। 800 दिन के बाद भी यूक्रेन रूस के कब्जे से अपनी जमीन छुड़ा नहीं पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ 800 दिन बाद रूस ने यूक्रेन के 1,19,000 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। भले ही यूक्रेन दावा करे कि उसने 5,00,000 के करीब रूसी सैनिकों को मार डाला है, लेकिन हकीकत में रूस जमीन पर यूक्रेन और 32 देशों से बने नेटो पर बहुत भारी पड़ रहा है। इस वक्त यूक्रेन रूस से जंग जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है, बल्कि खुद को बचाने के लिए रूस से मुकाबला करने की कोशिश में लगा है। यूक्रेन के खार्किव और अवदीविका पर रूस ने वैसे भी अपना कंट्रोल बना लिया है, लेकिन इधर अमेरिका और नेटो से आने वाले हथियारों का इंतजार कर रहे राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ आखिरी दांव भी खेल दिया है। रूस के खिलाफ यूक्रेन का ऑपरेशन बॉर्डर। यूक्रेन के दावों के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के साथ अलग अलग छोटे और बड़े बॉर्डर पर अपनी पूरी फौजी ताकत को लगाना शुरू कर दिया है। खबर के मुताबिक अगर कुल बॉर्डर की लंबाई, चौड़ाई और वर्ग किलोमीटर में जोड़ा जाए तो यूक्रेन ने 10,000 किलोमीटर इलाके में किलेबंदी करना शुरू कर दी है। रूस की सेना अभी बिना रोक टोक के यूक्रेन के बॉर्डर को रौंदते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन अब यूक्रेन ने 10,000 किलोमीटर के बॉर्डर पर टैंक ब्रिगेड, बंकर और रॉकेट फोर्ट्स के जरिए बॉर्डर पर रूसी सेना के लिए मौत का बॉर्डर तैयार कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि ऐसा करने में एक ही दिन में रूस के 1500 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। रैप ड्रोन наша ракетна програма, наша протидія російським керованим авіабомбам. Складна тематика, і якщо по РЕП, по дронах, по ракетній програмі ми бачимо хороші тенденції, то із протидією російським бомбам ще треба дуже багато зробити. Україн бле із хамле паритра раха ху, лекін хакікат ме юкрейні сена рус ке самне тик нахі па рахі хе. पिछले 72 घंटे में भीषण हमलों से पुतिन ने जेलेंस्की को दिखा दिया है कि यूक्रेन को अमेरिका और नेटो के 32 देश मिलकर भी बचा नहीं पाएंगे। पिछले 72 घंटे में रूसी सेना ने दिखा दिया है कि वो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और रॉकेटों को कैसे तबाह कर सकता है। रूस यूक्रेन पर अब निर्णायक जीत की तरफ बढ़ चुका है। पिछले 800 से ज्यादा दिनों से चल रही रूस यूक्रेन जंग का नतीजा अगर एक लाइन में पूछा जाए क्या रहा, तो साफ कहा जा सकता है यूक्रेन कागजों में जीत रहा है और रूस जमीन पर। Что касается того, что происходит на Харьковском направлении, это тоже их вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Ну, там же гражданские люди гибнут. Все же очевидно, стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Земин пар руси хамлон не Юкрейн ке читхаде уракар рак дие. Панчвий бар рус ка раштпати банне ке бад се, ачанак рус ке хамле Юкрейн пар 5 гуна тези се хо рахе. जानकारों के मुताबिक 24 फरवरी 2022 के बाद से पहली बार रूस ने इतने भीषण हमले किए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की तक मान चुके हैं कि इस वक्त खार्किव में रूस के हमले चारों तरफ से हो रहे हैं। रूस के फाइटर जेट और ड्रोन यूक्रेन में घुसकर हमले कर रहे हैं। जमीन पर टैंक, पैदल सेना, तोपखाना और रूसी रॉकेट आर्मी ने यूक्रेनी सैनिकों की कमर तोड़कर रख दी है।
हैरानी की बात तो ये है कि पिछले 48 घंटे में रूस ने समंदर से मौजूद अपनी पनडुब्बी से बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे RSM-56 के नाम से भी जाना जाता है, उससे भीषण हमले किए हैं। हम आपको बताएंगे कि रूस ने खार्किव में कितने इलाके पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पुतिन ने अपनी बुलावा मिसाइल को कितनी दूरी से यूक्रेन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया है। रूसी मीडिया के दावों के मुताबिक बुलावा यानी RSM-56 एक ICBM है, जिसे पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया है। दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना ने पूर्वी कामचटका प्रायद्वीप पर हजारों किलोमीटर दूर यूक्रेन पर बुलावा मिसाइल से हमला किया है। लगभग 5600 किलोमीटर दूर से रूसी पनडुब्बी ने एक के बाद एक कई बुलावा मिसाइलें दागी, जिन्होंने यूक्रेन के खार्किव में भारी तबाही मचाई है। ज़ेलेंस्की रूस की बुलावा मिसाइल के हमले से बुरी तरह से घबरा गए हैं। पिछले 24 घंटे से रूसी सेना इसी तरह से यूक्रेन के 5 इलाकों में भीषण हमले कर रही है। हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेन के डोनेस्क, खेरसोन, खार्की, सुमय, डॉनबास इलाके में रूसी सेना ने जमीन और आसमान से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। आग बरसाते रॉकेट, कोहराम मचाती तोप के गोले, खार्कीव में धड़धड़ाते रूसी टैंक ने यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ा दिए हैं। ये तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि रूस कितने भीषण हमले पिछले 24 घंटे से यूक्रेन के 5 इलाकों में कर रहा है। जरा इस वीडियो को भी देखिए। रूस के भीषण हमले के बाद तबाह खार्कीव के रिहायशी इलाके रूसी आग में जल रहे हैं। हालात ये हैं कि यहाँ यूक्रेन के लोग तेजी से इलाके खाली कर रहे हैं। इस वक्त यूक्रेनी सेना जंग लड़ने से ज्यादा अपने लोगों को बचाने में जुटी है। बसें भर भर कर लोगों को रूसी हमलों से बचाया जा रहा है। हारते यूक्रेन ने भी रूस पर कुछ ऐसे हमले किए हैं जिसकी कल्पना रूस ने कभी नहीं की थी। अमेरिका ने यूक्रेन को बेहद लंबी दूरी तक मार करने वाली ऐसी मिसाइलें दी हैं जो पिछले 24 घंटे में रूस के लिए यमराज बन चुकी हैं। यूक्रेन ने रूस के कब्जे में मौजूद क्राइमिया पर लंबी दूरी वाली 8 ATA-CMS मिसाइलों से हमला किया है। क्राइमिया में हुए यूक्रेन के इस हमले में रूस का स्पेस रेडार स्टेशन तबाह हो गया है। यूक्रेनी समर्थकों ने दावा किया है कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम 8 ATA-CMS मिसाइलों को रोक नहीं पाया, जिसकी वजह से रूस के स्पेस रेडार स्टेशन में मौजूद दर्जनों रूसी सैनिक मारे गए हैं। 2014 से यूक्रेन के क्राइमिया पर रूस का कब्जा है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि रूस पर यूक्रेन ने अमेरिका की ATA-CMS के जरिए घातक और भीषण हमला किया है। कुल मिलाकर यूक्रेन अब जंग के उस दौर में पहुंच चुका है जहां या तो यूक्रेन जीतेगा या फिर रूस पूरे यूक्रेन को तबाह कर देगा।